यस रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, नया दवा मूल्य नियंत्रण जारी करते समय सरकार यह बिल्कुल भूल गई कि उसे उन लाखों उपभोक्ताओं का ख्याल रखना है जिसे मजबूर होने पर दवा का खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भार उपभोक्ता पर जितना कम पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि लाखों लोग रोज दवा खरीदते हैं। पर खेद की बात है कि इसके बजाय भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने दवा उद्योग का ज्यादा ख्याल रखा है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसने अपने नए आदेश के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में आने वाली दवाइयों का मुनाफा 35 से बढ़ाकर 75% कर दिया है और दूसरी श्रेणी में आने वाली दवाइयों पर यह 55 से बढ़ाकर 100% कर दिया है। इसका मतलब है कि हर हालत में उपभोक्ता पर 40 से 45% का अधिक भार पड़ने वाला है और इसकी शिकार स्वयं सरकार भी होगी, क्योंकि उसे अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ों रुपयों की दवाइयां उन्हीं दवा कंपनियों से खरीदनी पड़ती है। सरकार का नुकसान तो उस अर्थ में और भी ज्यादा है कि नया आदेश जारी करते समय उद्योग मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है कि पहली श्रेणी में 13 रोगों की दवाएं रखी जाएं। मंत्रालय ने सिर्फ 6 रोगों की दवाएं प्रथम श्रेणी में रखी हैं, जिनमें की मुनाफे का प्रतिशत 75 है। देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले शेष 7 रोगों की दवाइयां 100% मुनाफे वाली दूसरी श्रेणी में रखी गई हैं। इससे जाहिर है कि देश की सरकार के सामने खुद अपने और जनता के हित से अधिक सर्वोपरि है उद्योग का हित। यह इससे और भी जाहिर है कि दवा नीति बनाने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मे नहीं, उद्योग मंत्रालय के जिम्मे हैं और इस मंत्रालय ने उपभोक्ता की बजाय दवा उद्योग के हितों के हिसाब से दवा नीति और दवाओं के मूल्य तय किए हैं। इसी का नतीजा है कि दवाओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इस नीति के लागू होने पर निकट भविष्य में और भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि आम तौर पर होने वाली 13 बीमारियों की 89 दवाइयों को प्रथम श्रेणी में रखा जाए, ताकि सरकार इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कम दाम पर खरीद कर लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। लेकिन उद्योग मंत्रालय ने केवल 27 दवाइयों को प्रथम श्रेणी में रखना मंजूर किया। दूसरी श्रेणी में 139 दवाइयों को रखा गया, जिनमें कुछ आम बीमारियां भी शामिल हैं। इन दवाइयों में से कुछ पहली श्रेणी में थी, जिनको अब दूसरी श्रेणी में कर दिया गया। ऐसा करने पर दवा उद्योग का मुनाफा और भी बढ़ गया। 1986 की दवा उद्योग नीति में कहा गया है कि दवा उद्योग के मुनाफे में वृद्धि और ज्यादातर दवाइयों को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखना इसलिए जरूरी है, ताकि जरूरी दवाओं की उपलब्धि बाजार में बढ़े। दूसरा, सरकार का यह तर्क रहा है कि जितना नियंत्रण कम रहेगा उतना ही उन दवाओं के मूल्य और उपलब्धि पर नजर रखना आसान हो जाएगा, जिन्हें जीवन के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसलिए हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर जहां 347 दवाओं पर मूल्य नियंत्रण आदेश लागू होता था, वहां अब यह 166 पर लागू हो रहा है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि नई दवा नीति के आधार पर जारी नया दवा मूल्य नियंत्रण आदेश यह मानकर चलता है कि जनता सरकारी नियंत्रण कम होगा, दवाओं का उत्पादन उतना अधिक होगा। लेकिन अभी तक का अनुभव यह सिद्ध करता है कि दवा कंपनियां सिर्फ उन्हीं दवाओं को बनाने में रुचि रखती है जिनमें काफी मुनाफे की छूट हो और
वह छूट जरूरी दवा नियंत्रित मूल्य की दवाओं के क्षेत्र में नहीं है, इसलिए 1978 में हाथी समिति की सिफारिश पर सरकार ने दवा कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि वे अपने कुल उत्पादन के एक निश्चित अनुपात में जीवन आवश्यक दवाइयां बनाएंगी। इसके बावजूद सरकार इन जरूरी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नए आदेश के अनुसार तो किसी भी कंपनी पर यह बाध्यता नहीं रखी गई है और वह किसी भी अनुपात में जीवन रक्षक दवाइयां बना सकती हैं। सिर्फ मुनाफे का प्रतिशत बढ़ाने से यह काम किस हद तक हो पाएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हाथी समिति ने भी तो दवा उद्योग के मुनाफे का प्रतिशत बढ़ाया था। इसलिए जीवन रक्षक दवाओं की कमी आने वाले समय में भी बनी रहेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर गौर करें तथा ऐसे कदम उठाएं ताकि कम से कम जीवन रक्षक दवाइयों का वास्तविक अथवा कृत्रिम अभाव न होने पाए। एक अन्य माननीय सदस्य के मतानुसार इस नए आदेश के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब ऐसी दवाओं के उत्पादन में अपना ध्यान लगाएंगी जिन पर मुनाफे की सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि दवा कंपनियों के अधिकाधिक मुनाफे की भूख उपभोक्ता को भविष्य में ऐसी दवाओं के जाल में फंसाने वाली है जिनकी न केवल लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है बल्कि जो हानिकारक भी हैं। दूसरी श्रेणी की दवाओं के बारे में नियुक्त केलकर समिति ने कुछ दिन पहले उपभोक्ता के हित में कुछ अच्छी सिफारिशें की थी जिनके बारे में नया आदेश बिल्कुल चुप है। उसने घटिया दवाओं पर काबू पाने के लिए हर राज्य में प्रयोगशालाओं की स्थापना का सुझाव दिया था और कहा था कि जब तक यह संभव न हो तब तक देश के चार क्षेत्रों में ही ऐसी प्रयोगशालाएं बना दी जाएं। इस समिति ने डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली पर्चियों पर निगाह रखने का तरीका भी सुझाया था ताकि डॉक्टर गैर जरूरी और नुकसानदेह दवाएं मरीजों के लिए न लिख सकें, लेकिन इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता का हित जहां जहां दवा कंपनियों के हित से टकराता है वहीं पर उपभोक्ता की उपेक्षा की गई है। यही नहीं, कुछ दिन पहले दवा उद्योग की गड़बड़ियों पर निगाह रखने वाले एक जन कल्याणकारी संगठन ने मांग की थी कि बाजार से अनावश्यक मिश्रित एवं हानिकारक दवाओं का सफाया किया जाए। नए आदेश ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। इस संगठन की एक मांग यह भी थी कि दवा निर्माताओं पर यह दबाव डाला जाए कि वे दवा को अपने ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि मूल नाम से बेचें। इससे एक ही दवा को अलग-अलग नाम से बेचने का आदेश देने का साहस नहीं कर पाया क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा देसी दवा कंपनियों के हितों पर चोट पहुंचती। लेकिन नए आदेश में दवाओं को मूल नाम से बेचने के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। अब जो उत्पादक अपनी दवाओं को मूल नाम से बेचेंगे उनकी दवाओं का मूल्य नियंत्रण आदेश से बाहर रखा जाएगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यहाँ भी उपभोक्ता के व्यापक हित की बजाय उद्योग की अपनी सुविधा का अधिक ख्याल रखा गया है। उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा नहीं की गई है कि वह साबुन की तरह दवा भी खुद चुन सके। अभी तो वह दवा कंपनियों और डॉक्टरों के पूरी तरह कब्जे में है। अगर डॉक्टर किसी कारण से अपने मरीज को किसी खास कंपनी की दवा ही खरीदने को कहता है तो खरीददार कुछ नहीं कर सकता।
मूल नाम से दवाओं के बिकने पर डॉक्टरों की यह मिलीभगत बंद हो सकती है। अतः मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार दवा जैसी जरूरी चीज के लिए उपभोक्ता का अधिक ख्याल रखे ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है।